हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टूडे स्पेल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके बारे में, यूपी बोर्ड के बारे में। दोस्तों यूपी बोर्ड की जो आपके एग्जाम डेट है वो दोस्तों आ चुकी है, आप यहाँ देख सकते हो। जो आपकी एग्जाम डेट बताई जा रही है दोस्तों 16 फरवरी से आपके पेपर बताए जा रहे हैं, 16 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट है। दोस्तों जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इधर दिखेंगे कि जो इधर लिखे हुए हैं दोस्तों, जो आपके जो इधर लिखे हुए हैं ना, वे तो है 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम, मतलब कि जो बोर्ड के पेपर होंगे ना उनके बारे में। फिर इधर जो लिखे हुए हैं दोस्तों, इधर लिखे हुए हैं इंटरमीडिएट यानी कि जो 12th क्लास के हैं उनके पेपर। दोस्तों आपको इस PDF को देखना है और आपको पता करना है कि आपका पेपर किस तारीख को है, किस दिन है। दोस्तों जिस प्रकार यहाँ से लिखा हुआ है कि 16 फरवरी को जो आपका पेपर है वो हिंदी का है, कि अगर जो 12th क्लास में है दोस्तों उनका जो पेपर है वो सस्य विज्ञान का है और हिंदी का भी उस दिन होगा पेपर। याद रखना है जिसका जो सस्य विज्ञान है दोस्तों उनको जाना है 8 बजे, और जिनका हिंदी का पेपर है दोस्तों उनको जाना है लगभग 2 बजे उनके, क्योंकि 2 बजे से उनके पेपर स्टार्ट होगा जो हिंदी के हैं 12th क्लास के। अब दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं, 17 तारीख को आपको ध्यान रखना है, 17 तारीख को जो पेपर है 10th क्लास को है पाली भाषा का, और जो 12th क्लास का है दोस्तों है संगीत और नृत्य शास्त्र का। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम और देखते हैं कि 20 फरवरी को जो आपका पेपर है, ठीक है दोस्तों 20 फरवरी को जो आपका पेपर है वह है गृह विज्ञान का 10th क्लास का, और जो 12th क्लास का है दोस्तों लेखा शास्त्र वाणिज्य विज्ञान का। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम, दोस्तों हमने देखा कि यहाँ से जो 20 फरवरी को ये आपका पेपर होगा दोस्तों, जो 20 फरवरी को ये आपका पेपर होगा वो भी भूगोल का ही होगा। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपका भूगोल का जो पेपर होगा ना वो 20 फरवरी को ही होगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और दोस्तों हाँ एक बात और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है 10th क्लास के बच्चों के लिए, दोस्तों जो आपका पेपर है ना गणित का 21 फरवरी को है गणित का पेपर, और मैंने आपको बताया 16 फरवरी को आपका क्या का पेपर, 16 फरवरी को आपको बताया मैंने हिंदी का पेपर, ठीक है दोस्तों 16 फरवरी को आपका हिंदी का है और 21 फरवरी को आपको गणित का है। इधर दोस्तों देख सकते हो जिनके जो 12th क्लास में दोस्तों उनके अगर ये इनमें से कोई होगा तो वो देख सकते हैं 21 फरवरी को आपका पेपर होगा। उसके बाद 21 तारीख को ही आपका अगर किसी ने कंप्यूटर ले रखा है दोस्तों तो कंप्यूटर का पेपर भी आपका 21 तारीख को ही होगा, ध्यान रखना है 10th क्लास के बच्चों का। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम, इधर देखते हैं तो हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मिलती है, कुछ भी जिनका पेपर होगा दोस्तों ये देख सकते हैं कि उनका पेपर इस तारीख को होगा चित्रकला का। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम दोस्तों, यहाँ से जो आपका जो 23 फरवरी का जो पेपर है वाणिज्य का है, सिलाई का है, जिनका सिलाई जिन्होंने सिलाई ले रखी है दोस्तों, और अगर किसी के पास 12th क्लास में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का पेपर भी आपका 23 फरवरी को ही होगा। थोड़ा सा और नीचे मतलब यहाँ देखते हैं हम 24 तारीख को, तो 24 तारीख को आपको मैंने कर्जी का बता दिया है 10th क्लास का जो कर्जी का पेपर होगा वो 24 तारीख को होगा, और जो 12th क्लास का जो पेपर होगा दोस्तों इंग्लिश का वो भी 24 फरवरी को ही होगा आपका पेपर। 12th क्लास का जो पेपर होगा वो 24 फरवरी को होगा इंग्लिश का, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपकी जो परीक्षा होगी मैंने आपको बता दिया 12th क्लास की जो 2 बजे स्टार्ट होगी, 2 बजे से स्टार्ट होगी और 5 बजे तक चलेगी, 3 घंटे का पेपर मिलता है आपको। अब थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ देखना है 25 फरवरी को आपका जो पेपर है वो चित्रकला का है 10th क्लास का, और जो 12th क्लास में है दोस्तों उनका सस्य विज्ञान का पेपर है इस दिन। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं 27 फरवरी को 10th क्लास का जो पेपर है 27 फरवरी को वो विज्ञान का है, और 12th क्लास का जो है NCC, अगर किसी के पास NCC है उनका NCC का पेपर होगा, और गणित का पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जीव विज्ञान और गणित का पेपर, अगर जो कोई 12th क्लास में है तो उनका जो पेपर होगा 10th क्लास मतलब कि 12th क्लास के बच्चों के लिए 12th मतलब जो 10वीं में है उनका तो विज्ञान का पेपर है 27 तारीख को, और जो 12th में बच्चे हैं उनके जीव विज्ञान और गणित का पेपर है 27 फरवरी को। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर दोस्तों 1 मार्च 2023 को आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसको आपको ध्यान रखना है 10th क्लास के बच्चों के लिए खासतौर पर, और जो 12th के बच्चे हैं दोस्तों उनका जो पेपर होगा वो भौतिक और अर्थशास्त्र का पेपर होगा 12th का इसका भौतिक का और इंग्लिश का क्या अंग्रेजी का, मतलब जो 10th के बच्चे हैं उनका इंग्लिश का पेपर है दोस्तों। ऐसे ही आपको थोड़ा नीचे आते हैं हम, तीसरे स्लाइड में आ चुके हैं, जो बृहस्पतिवार यानी कि 2 मार्च को जो आपका पेपर होगा दोस्तों, जो 10th के बच्चे हैं उनका उर्दू पंजाबी इनका सब देख सकते हो आप, इनमें से जोन से आपका पेपर होगा उन्हें देखना है, और जो 12th के बच्चे हैं उनमें से अगर इनका किसी का इनमें इन विषय में से होगा तो वे देख सकती हैं दोस्तों, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ से है अगर किसी कोई 12th क्लास में है तो उनका इतिहास और भौतिक विज्ञान और जलवायु का पेपर इस दिन ही है 2 मार्च को, ठीक है दोस्तों। अगर जो आपको देखेंगे 3 मार्च को जो आपके पेपर है वे सामाजिक विज्ञान का है, 10th की क्लास के बच्चों के लिए क्या पेपर है सामाजिक विज्ञान का, और जो 12th के जो बच्चे हैं उनके पेपर जो है ना कृषि, किसी के पास गणित है प्रारंभिक सांख्यिकी तो इनका सबका पेपर होगा
दोस्तों एक बात और, इसमें जो रसायन विज्ञान का जो पेपर है कृषि वाले के लिए, वो भी उस दिन ही होगा, चार मार्च को। दोस्तों टेंथ का तो पेपर है नहीं 4 मार्च किसी का, लेकिन ट्वेल्थ में अगर किसी के पास शिशु संबंधी है या ऐसे ऐसे विषय हैं तो ये देख सकते हैं, उनका पेपर उस दिन ही होगा। अब थोड़ा सा दोस्तों और मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका जो सबसे लास्ट में पेपर है ट्वेल्थ क्लास का दोस्तों, वो कहाँ का होगा, रसायन विज्ञान का होगा पेपर, वो कहाँ का होगा दोस्तों, रसायन विज्ञान का जो पेपर होगा उस दिन ही होगा आपका। आपने यहाँ देख कभी है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो रसायन विज्ञान का पेपर होगा आपका। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो आपके जो लास्ट पेपर है ना, जो आपका लास्ट पेपर है दोस्तों, क्या तारीख को है वो, आपके जो परीक्षा हो रही है वो 4 मार्च को निपट जाएगी परीक्षा आपकी, 4 मार्च को। तो दोस्तों आपके पास कहाँ से स्टार्ट हुई थी पेपर, 16, आपकी जो परीक्षा है वो 16 फरवरी से स्टार्ट है और 4 मार्च तक चलेगी। तो दोस्तों लगभग देख सकते हो कि आपके ना पास लगभग 28 दिन, मतलब 18 दिन चलेंगे आपके परीक्षा के। 18 दिन में आप कितना बेस्ट कर सकते हो अपने लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। अपनी पढ़ाई को भी बहुत ध्यान से देखना है, अभी आपके पास लगभग 20 से 25 दिन ही है, क्योंकि आपके प्री बोर्ड भी होंगे उनमें फिर, तो उनमें क्या करना है आपको, जितने भी आपने पढ़ा है ना उसको बहुत ज़्यादा रिविजन करें और कोशिश करें कि जो आपको 16 पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करने हैं, जितने आप 16 पेपर काट दोगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, आपको उनमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है दोस्तों। दोस्तों अगर हाँ मैं बता देता हूँ आपको कैसे इस वीडियो को डाउनलोड करना है, तो आप सबसे पहले वीडियो को देखना है, मतलब कि मैं आपको बता दूँ कि आपको उसका पीडीएफ को कहाँ से कर सकते हो डाउनलोड। दोस्तों वैसे तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद मैं इसका जो लिंक हो वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यानी कि आप ना उस पर क्लिक करके मंगवा लिख दूँगा कि आपको उसे कैसे डाउनलोड करना है, सीधा आप खुल जाएगा इस साइट पर, या मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको सबसे पहले ना अपने जो क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है दोस्तों, जो क्रोम ब्राउजर है आपके पास, ऐसा क्रोम ब्राउजर होगा ना, यहाँ आप देख सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ऐसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है दोस्तों। मैं सब ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ गूगल पे चल जाना है, कोई से भी गूगल हो दोस्तों, आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है सरकारी रिजल्ट दोस्तों, मैंने लिख दिया सरकारी रिजल्ट यहाँ .com। दोस्तों आप देख सकते हो कि कट गया यार, चलो कोई नहीं, यहाँ सरकारी रिजल्ट .com मैंने सर्च कर लिया, आप सर्च कर लोगे इसको, और आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये सरकारी रिजल्ट .com की साइट है इस पर आपको जाना है, इस पर आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। जब आपने ना इसको क्लिक करा तो कुछ आपका इसके पास इंटरफेस खुल जाएगा, आपको क्या करना है थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आने के बाद जैसे कि अब मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, तो आपको ना यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाना आपको, फिर कहाँ जाना है दोस्तों, एक सेकेंड, आपको इस रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाना है, इस रिजल्ट वाले ऑप्शन में। तो जैसे ही आप जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ थोड़ा सा नीचे आके, यहाँ आपको मिल जाएगी यूपी बोर्ड से संबंधित टाइम टेबल। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक भी कर दिया है, आपको इधर जाना है, यूपी बोर्ड की जो आपकी टाइम टेबल है वो दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इस पर थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, मैंने कि इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैंने क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद थोड़ा आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों, जैसे कि ये देख रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, आप जी यहाँ भी थोड़ा नीचे आना आपको, ठीक है दोस्तों। अगर आप पढ़ने जाते हो तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों, 9 तारीख को इशू हो गया था और 16 फरवरी से आपके पेपर है, ये भी दोस्तों मैंने दिखाई दिया आपको, 16 फरवरी से आपके पेपर है और जो लास्ट पेपर है वो दोस्तों 4 मार्च को है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं दोस्तों, आपको ना बस क्या करना है, अगर आपको डाउनलोड करनी है यहाँ पर दो तरीके के दिखा रखे हैं, यहाँ से आप इस पर क्लिक करना सीधा, इसमें एक तो लाइट प्रिंट है एक है डार्क प्रिंट। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैंने डार्क मैंने लाइट का रखा इसमें डाउनलोड, तो मैं डाउनलोड इस पर थोड़ा इस पर करेंगे आपके लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ से लिखा होगा डाउनलोड, तो वहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें, क्योंकि मैंने डाउनलोड पहले से रखा है, फिर भी मैं आपको एक फिर और दिखाने कर मतलब कि दिखा देता हूँ करके। तो जैसे कि डाउनलोड पर लग जाएगी आप, ठीक है, AI सीधे ही आपके पास खुल जाएगी, देखा आपने पहले भी AI देने खुल के वहाँ पर, एक सेकेंड
दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया आपको कि आपको कैसे और किस तरीके से करना है। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस सिंपल क्या करना है, सरकारीरिजल्ट.com लिखना है और सरकारी, देखो मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, सरकारी रिजल्ट .com, ठीक है मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसे लिखना है और उसके बाद सिंपल आकर रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाना है आपको, रिजल्ट वाले में, ठीक है। वहीं से आपको बस सीधे मिल जाएगा यूपी बोर्ड की मार्कशीट। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इंप्रूवमेंट लगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।